गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में कटौतियां पढ़ रहे हैं। कटौतियां मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित कटौतियां स्वीकृत की जाएगी। फर्स्ट है मानक कटौती। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से सबसे पहले कटौती की जाएगी वह वार्षिक शुद्ध मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर होगी। यह कटौती हर दशा में दी जाएगी, परंतु यदि मकान का वार्षिक मूल्य शून्य या ऋणात्मक हो तब यह छूट नहीं दी जाएगी। सेकंड है उधार ली गई पूंजी का ब्याज। यदि मकान संपत्ति को बनवाने, मरम्मत करने, खरीदने आदि के लिए कोई यदि रकम ली जाती है तो उस रकम पर जो भी ब्याज चुकाया जाता है वह ब्याज कटौती के रूप में स्वीकृत होता है, परंतु यदि मकान संपत्ति की आय करमुक्त होती है तो ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। इस संबंध में और निम्न प्रावधान इस प्रकार है, केवल साधारण ब्याज की कटौती ही दी जाएगी। दलाली या कमीशन होता है तो उसकी कोई कटौती नहीं दी जाएगी। मकान तैयार होने से पूर्व की अवधि के ब्याज की कटौती। यदि मकान संपत्ति को क्रय करने या बनवाने के लिए ऋण लिया गया है तो इस ऋण पर मकान क्रय करने अथवा मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष के पहले की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है तो ऐसी ब्याज की कटौती 5 समान किश्तों में दी जाएगी, 5 वर्षों तक दी जाएगी। और यह कटौती जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से प्रारंभ की जाएगी। यदि किसी मकान का निर्माण कार्य 31 मार्च को पूर्ण होता है तो उस दशा में भी निर्माण के पूर्व की अवधि का ब्याज पिछली 31 मार्च तक ही गिना जाएगा। इस वर्ष का संपूर्ण ब्याज व किश्त इस वर्ष कटौती योग्य होंगी। यदि ऐसी राशि कटौती इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत दे दी जाती है तो उस राशि के संबंध में कटौती नहीं दी जाएगी। यदि भारत की यदि कोई ब्याज का भुगतान किया जाता है तो ऐसी दशा में उद्गम स्थान पर यदि कर की कटौती नहीं की जाती है और प्राप्तकर्ता का भारत में कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है जिससे कि कर की राशि वसूल की जा सके तो ऐसी ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। पुराने ऋणों के भुगतान के लिए लिए गए नए ऋणों को ब्याज की कटौती को भी इसमें से कटौती योग्य माना जाएगा। यदि ब्याज की गणना दिनों के आधार पर करनी हो तो ऋण लेने का दिन और दिनों की गणना में दिनों की गणना में शामिल होगा, जबकि ऋण के पुनर्भुगतान का दिन उसकी गणना में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण यह है कि जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष का संपूर्ण ब्याज उसी वर्ष घटा दिया जाएगा, जबकि पिछले वर्षों की ब्याज की एक किश्त भी उस ब्याज के साथ घटाई जाएगी। किराए पर उठाए गए मकानों के संबंध में ब्याज की कटौती के लिए सीमा संबंधी कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। यदि कोई मकान संपत्ति संपूर्ण वर्ष के लिए अपने किसी व्यक्ति अपने स्वयं के लिए यदि एक मकान या दो मकानों को या अथवा उनके किसी भाग का प्रयोग स्वयं के निवास स्थान के लिए करता है तो ऐसी दशा में उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा, परंतु इस संबंध में निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। इस मकान या मकानों को गत वर्ष के दौरान थोड़ी अवधि के लिए भी किराए पर नहीं उठाया गया हो अथवा इन मकान या मकानों के भाग को करदाता ने अन्य कोई लाभ में यूज़ नहीं किया हो। स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि यदि कोई मकान संपत्ति करदाता के स्वामित्व में संपूर्ण गत वर्ष के दौरान नहीं रही हो तो जितनी अवधि के लिए स्वामित्व में रही है उसे ही संपूर्ण वर्ष मान लिया जाएगा। जैसे कोई संपत्ति गत वर्ष में किसी समय क्रय की गई हो अथवा बनकर तैयार हुई हो तो उसे गत वर्ष में विक्रय अथवा गत वर्ष में विक्रय कर दी गई हो या अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर दी गई हो। सेकंड, मकान किसी भाग से आश्रय रहने की स्वतंत्र इकाई से होता है। यदि करदाता के मकान में उसका कोई संबंधी अथवा मित्र बिना किराए के रहता है तो मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं माना जाएगा और इसकी गणना वैसे ही की जाएगी जैसे किराए पर उठाए गए मकान की जाती है। डी पॉइंट है, स्वयं के रहने के ऐसे मकान या मकानों और उनके भाग के वार्षिक मूल्य का निर्धारण जिसमें करदाता गत वर्ष में वास्तव में नहीं रहा है। यदि करदाता के पास रहने का एक या दो मकान है या उनका भाग है तो वह गत वर्ष में व्यापार या किसी अन्य कारण से यदि बाहर है और उनका प्रयोग यदि वह नहीं कर पाया है तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य होगा, किंतु इसके लिए निम्न शर्त का होना आवश्यक है कि अन्य स्थान पर उसका स्वयं का रहने का मकान नहीं हो, इस मकान या मकानों को थोड़ी अवधि के लिए भी किराए पर उठाया नहीं गया हो,
और इन मकानों से करदाता ने अन्य कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया हो। यदि करदाता कुछ अवधि के लिए गत वर्ष में इस मकान या मकानों में आकर रहता भी है तो भी उनका वार्षिक मूल्य शून्य ही रहेगा। स्वयं के रहने के मकान या मकानों के वार्षिक मूल्य में से कटौती होती है। फर्स्ट है हमारी देय ब्याज के संबंध में कटौती है। यदि कोई एक या दो मकानों या उनके भाग पर संपूर्ण वर्ष में करदाता ने स्वयं के निवास स्थान के लिए काम में लिया गया हो और वार्षिक मूल्य में से ब्याज की कटौती स्वीकृत की जाएगी तथा अन्य कोई कटौती नहीं दी जाएगी, इस संबंध में निम्न प्रावधान हैं। फर्स्ट प्रावधान यह है कि यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है, एक या दो मकानों को बनवाने, मरम्मत, क्रय करने, पुनर्निर्माण के लिए लिया गया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो ऐसी मकान संपत्ति क्रय करने के लिए तथा मकान बनवाने के ऋण लिया जाता है और ऋण वह मकान जिस गत वर्ष में बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से पहले की अवधि के लिए ब्याज यदि देय है तो ऐसी ब्याज की कटौती समान 5 किश्तों में दी जाएगी, 5 वर्षों तक दी जाएगी। यह कटौती जिस गत वर्ष में मकान क्रय किया गया है या बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से प्रारंभ की जाएगी। इस मकानों के संबंध में अधिकतम कटौती 30,000 रुपये तक ही दी जाएगी। यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद यदि लिया गया है, मकान एक या दो मकानों को बनवाने या क्रय करने के लिए लिया गया है तो जिस गत वर्ष में मकान क्रय किया है या बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से 5 वर्षों तक इसी कटौती दी जाएगी और जिसकी है कटौती जिस गत वर्ष में मकान किया है बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से प्रारंभ की जाएगी अगले 5 वर्षों तक और यह अधिकतम 2,00,000 रुपये की दी जाएगी। किंतु यदि 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद ऋण मकान को क्रय करने अथवा बनवाने के लिए नहीं लिया गया है परंतु मकान की मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए लिया गया है तो केवल कटौती 30,000 रुपये की ही होगी ब्याज के संबंध में। थैंक्स स्टूडेंट।